नमस्कार, मैं प्रभात और अभी इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं सिंघू बॉर्डर के, थोड़ा सा और दूर जाएंगे केएमपी एक्सप्रेसवे आएगा जहां पर हम मौजूद हैं अभी इस वक्त। आप देख सकते हैं ये टेंट लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, 3 महीने हो चुके हैं और 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा का जो है 11 बजे से 5 बजे तक का यहाँ पर केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की योजना है और अभी वहीं पर हम खड़े हुए हैं केएमपी एक्सप्रेसवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं नीचे देखेंगे तो कई पूरे टेंट लगे हुए हैं, टेंट पर धूल और बहुत सारी चीज़ें जमी हुई हैं। इसका मतलब ये दिखाता है काफ़ी लंबे समय से यहां पर लोग बैठे हुए हैं। हम पहली बार इधर आ रहे हैं केएमपी एक्सप्रेसवे आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये रोड है केएमपी एक्सप्रेसवे का, जिसे जाम कर दिया है किसानों ने और 11 बजे से 5 बजे तक का ये टाइमिंग है इनके जाम करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चीज़ें हैं, ट्रैक्टर लेकर के लोग पहुँचे हुए हैं, किसान झंडे हैं हाथ में और यहाँ पर ट्रक भी है और ट्रैक्टर भी हैं, सारे टेंट लेकर के भी पहुँचे हुए हैं, तमाम किसान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये पूरा लंबा जाम है, ये आप देख सकते हैं ऊपर साइड में अंबाला पानीपत की ओर ये एग्जिट करते हुए रास्ता ये रोड बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर किसान बैठे हुए हैं पूरे रोड पर और ये जाम हो गया है। 11 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग है और अभी दोपहर का वक्त है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आप देखिएगा उस पर, वहाँ से आप दिखाने की कोशिश कीजिए, वो ऊपर पूरा देख सकते हैं कितना बड़ा जाम है। यहाँ पर पूरे रोड पर किसान घेर करके बैठ गए हैं। किसानों का आंदोलन चलते हुए 100 दिन हो चुके हैं और ये किसान नई नई रणनीति बना रहे हैं ताकि जो है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव पड़े और सरकार जो है बात माने। इनकी मांग है जो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के, उस ओर ध्यान दे सरकार, लेकिन सरकार अभी गूंगी बहरी सरकार है तो उसे सुनाने के लिए ये आंदोलन लगातार चल रहा है और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा नए नए तरीके अपनाता है, नई नई रणनीति अपना रहा है ताकि किसान जो है किसानों की बातें सुनी जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबा जाम है, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे है, केएमपी एक्सप्रेसवे है जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। मंच का संचालन भी हो रहा है, यहाँ पर मंच भी लग गया है एक तरीके से, आप देख सकते हैं उस कार के ऊपर, और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे आज केएमपी एक्सप्रेसवे आप लोग जाम करते हैं। आज है ना, आज किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि जो कि हमारा 100 दिनों से चले आया था आंदोलन, आज हमने केजेपी इसके को है ना जाम किया है और ये मतलब हम दिखाना चाहते हैं जो ये मोदी ये कहता है, अमित शाह कहता है, ये जो है ना लोग है ना चले गए आंदोलन से, हमारा कोई गांव से आज है ना किसी गांव से आदमी नहीं आया, जो यहाँ हम बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर वही आदमी है और ये दिखा दिया है, अगर लाखों की तादाद में है हम केएमपी पर बैठे हैं और शांति प्रिय हमारा है ना 4 बजे तक ये आंदोलन चलेगा, किसी को कोई है ना दुख नहीं दिया जाएगा। मोदी के कान खोलने के लिए वीओयो कहता है ना ये सारे के सारे चले गए हैं किसान, तो ये आज का दिन हमारा ऐसा ऐतिहासिक है और वो दिखाने की बात नहीं, आज तो हम ये अरे कहाँ जाओ हो किसानियों। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम 26 तारीख से मैं आया हुआ हूँ यहाँ, मेरा नाम रणधीर सिंह है, 85 साल मेरी उम्र है, सफीदों हल्का डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब से इन्होंने इस आंदोलन को तार पीड़ो की करने की कोशिश की, शंभू बॉर्डर से जो पंजाब के किसान आए, इनको आतंकवादी अलखवादी और पाकिस्तानी खालिस्तानी कितने उस तरह का वो करा माओवादी का, लेकिन हम जान चुके थे हमारा 16 के अंदर एक आंदोलन हुआ था हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट आंदोलन, उसमें भी इन्होंने खट्टर ने मोदी ने इन्होंने वहाँ जात पात का जहर घोल करके हमारे 32 जवानों की गोली से भून दिया था और उसमें इन गरीब लोगों को अपने आदमी घुसा करके छोटे छोटे दुकानदारों के आग लगवा दी थी रोहतक जैसे शहर में। हमने पता कर लिया, हमने कहा हरियाणा का किसान अपनी मांग, जो पंजाब का किसान है वो है अपनी मांग नहीं मांग रहा, ये सारे देश की किसानों की मजदूरों की मांग मान रहा है, हम कंधे से कंधा मिला करके पंजाब के साथ चले और यहीं दिल्ली के तरफ चारों तरफ से पंजाब के किसानों से हम आगे। आज जो हालात है कि हरियाणा का किसान आगे है क्योंकि ये धरती जो है ये हरियाणा की धरती पर हम बैठे हुए हैं, चारों तरफ से 3 तरफ से हरियाणा लगता है दिल्ली के और यहाँ पर चौधरी छोटू राम पैदा हुए, ये जो आज़ादी ली देश की आज़ादी के अंदर चौधरी छोटू राम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और उधम सिंह जैसे लोगों के वीरों के कारण है आज़ादी मिली थी। ये आरएसएस के लोग जो हमारा प्रदर्शन आज शांति प्रिय तरीके से 100 दिन से चला हुआ है, इसी तरह का आंदोलन 1947 और उससे पहले इसी तरह से चला था शांति।
मैं हरियाणा से। हरियाणा से हाँ। क्या है जाम जो आज ये आप लोगों की योजना है, क्या कब से आप लोग यहाँ पे? हमें दबाव डालने के खत्म करे है सारा, और दबाव डालेंगे इस पर, ये नहीं माना फेल मिलावांगे, जीत के जावांगे। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को आज ये भी पता लगा दिया कि नाक में दम करके रख दिया हम लोगों ने, और एक बात तो पक्की है, जो हमारी बिल तो रद्द होकर रह गई, इसकी इज्जत धजिया उड़ रही है सर। हम ये नहीं करना चाहते, हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, लेकिन खुद सम्मान कराने लायक नहीं है। यहाँ तक कि देखिए, यहाँ मीडिया वाले भी हैं, उनके ऊपर भी अब जो अच्छे खबर छापते हैं उनको भी ये जानबूझकर जेल में डाल रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है? अगर आप अच्छा, अगर सरकार होते तो ये तानाशाही आप कभी नहीं बनने देते। आपने आज तक किया ही क्या हमारे लिए? कुछ नहीं। और जितने भी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और जितने भी गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, ये बताओ, जब से जीडीपी यहाँ से 2014 के बाद देखिए हमारे डाउन नहीं हो रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, एसएससी के जितने भी बच्चे अभी सब बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका दबाव बनेगा जो चक्का जाम है आज का? जी बिल्कुल ही बनेगा जी। इसमें एक बात है, ये जो केएमपी रोड है पूरा सर्कुलर टाइप में है दिल्ली की, और ये बिल्कुल उनके समझ लो हम सीने के ऊपर आके बैठ गए हैं। और एक बात तो है, मोदी एक ना एक दिन चिल्ला के कहेगा जो हाँ हम बिल रद्द करके रहेंगे। और एक बात तो कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार के ये क्यों नहीं रद्द कर रहे, क्योंकि वो अंबानी अडानी आरएसएस से पैसे लिए हुए हैं, और फिर ये बाद में ये मुरेंगे कैसे, कौन से मुंह लेकर दिखाएंगे? तो इसीलिए उसके अंडर में पालतू हुए कुत्ते की तरह है, जब इसके अंदर जब कहता है भौंकता है, जब कहता है चुप हो जाए तो चुप करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार और अमित शाह ये दोनों एक तरह के गुंडे हो चुके हैं, हमारे किसान और मजदूरों के लिए थोड़ा भी दया नहीं है इनके मन के अंदर। और ये और भी लोग बात करते हैं आज, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तोमर कहता था ना कि इस भीड़ से कोई फायदा नहीं होने वाला, और ये देखिए इनको तो गांव कैमले वाली भीड़ इतनी चुप रहे, अभी तक तो वो भी नहीं बोली इनको, और ये कितना कट कर रखा है किसानों ने, और इनको कितना इसका दबाव पड़ेगा ये आप खुद जान जाएंगे। तो क्या कहते हैं ये जो आज चक्का जाम किए हैं, अब आगे और क्या क्या रणनीतियां आपको कुछ पता है? आगे सख्त से सख्त करेंगे, मोर्चा हमारा देश जितना आगे टाइम लेगा उससे ज्यादा हम जो हमारे नेता है वो सख्त जो भी कार्रवाई करेंगे वो अच्छी तरह करेंगे और शांत में ही करेंगे। पूरा जो लेडीज है ना हमारे भारत के जितने भी 49% वो सारे हम भारत में अब जागरूक हो जाएंगे, और सभी आप अपने अपने घर घर के अंदर और गांव में डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में पूरा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। उसके बाद कितने लोग आए हुए, क्या लगता है इसका दबाव? इसकी कोई तादाद नहीं है जी, बहुत आप खुद देख लो, चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लो, यहाँ से 2-3 किलोमीटर इधर 2-3 किलोमीटर इधर फुल जाम है। अच्छा मैं ये कहने वाला हूँ कि ये अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, इसमें आम जनता आपको भी परेशानी होगी, सिलेंडर 1000 रुपये का लगभग हो गया, किसको नुकसान हुआ? जनता को नुकसान नहीं है उस चीज़ का? आप ये बताओ इन्होंने 370 क्यों तोड़ी? आपको मालूम होना चाहिए 370 क्यों तोड़ी इन्होंने, सिर्फ कॉरपोरेट उनको अडानी अंबानी के व्यापार के लिए बिजनेस के लिए वो तोड़ी है। अब ये जो सेब की खेती है, जो सेब का रेट है, अब की बार 100 रुपये से नीचे नहीं आम आदमी को मिला, नहीं तो 25-30 रुपये 40 रुपये किलो आम मिल जाता था पिछले साल, अब 100 रुपये के नीचे से नहीं आया, इसलिए ये सब उनको बस बिजनेस के लिए करने लग रहे हैं। अब ये बिजली इसका अपना सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया, अब ये कह रहे थे अभी एक साल में 90,000 करोड़ की सब्सिडी आती है खाद पे किसानों को, अब उन्होंने 1 अप्रैल से वो भी उन्होंने सब्सिडी खत्म करने के लिए घोषणा कर दी है। अब जो यूरिया का कट्टा है वो 965 रुपये का एक तारीख को मिलेगा, और 2000 रुपये का DAP का कट्टा मिलेगा। ये कह रहे हैं अभी DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गई पेमेंट, जैसे सिलेंडर की होती थी, अब सिलेंडर वाली पेमेंट आ रही है किसी के खाते में? सब्सिडी नहीं आ रही, वो ही इन्होंने खाद वाला करना है, बस 2000 का कट्टा दे के कहते हैं बैंक में पैसे आएंगे आपके, आगे कुछ नहीं आएंगे, जुमला है सब, ये सिर्फ एक बस खत्म करना चाहते हैं किसान को, मजदूर को खत्म करना चाहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा जो है 2 किलोमीटर तक यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और ये अपने झंडे के साथ और जो है यहाँ पर देख सकते हैं तिरंगा भी है, ये पूरे रोड पर ये लोग बैठे हुए हैं, और ये एक संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था 11 से 5 बजे तक का, वो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है सीधे सीधे कि कृषि कानून की वापसी ही जो है अंतिम विकल्प है, और इसके बाद ही जो है ये लोग मानेंगे।
और नहीं तो ये ऐसे तमाम तरीके की रणनीतियाँ अपनाते रहेंगे और दिनों दिन यह आंदोलन और तेज होगा। देखिए कि लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय की भी व्यवस्था है और इसके साथ ही पानी की व्यवस्था है, तमाम तरह के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है। क्या कहना चाहिए, क्या क्या और सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं आपकी तरफ से? पानी की, चाय की, रोटी की, खाना सब मिल रहा है, जूते ठंडे मिल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। 11 बजे से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ बैठे हैं, 4 बजे तक बैठेंगे। 4 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? हम अपने बॉर्डर पर जाएंगे, ठिकानों पर जहाँ लंगर लगा हुआ वहाँ जाएंगे। बॉर्डर से आप लोग आए? हाँ सिंघू बॉर्डर पर आए हैं। ये देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर से आए हुए हैं और सिंघू बॉर्डर से फिर दोबारा जाएंगे 4 बजे। अपना जो यहाँ की जो रणनीति है वो जब यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जो आह्वान था 11 से 4 बजे तक का है, 4 बजे तक का, 4 बजे यहाँ से वापस चले जाएंगे अपने जो बॉर्डर पर जहाँ पर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। और अभी हर सुविधा दे रहे हैं, अरे जो भी चाहिए लोगों को, जैसे कोई असुविधा ना, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम कर रखा? उरे पानी का सारा प्रबंध, चाह रोटी चाहे पीछे लंगर चल रहा लेके आए नाल स्पेशल, भी कोई भी हो ना हो तकलीफ ना आवे, ते बाकी मैट लिया गए सारा कुछ दस के असी 11 बजे उरे पहुंच गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ से आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या नज़ारा है पूरा जो है यहाँ पर, जो केएमपी एक्सप्रेसवे है चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके का जो है यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं चारों तरफ और ये पूरे रोड पर, और यहाँ पर ट्रैक्टर के साथ आए हुए हैं, तमाम ट्रैक्टर भी हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है। ये रोड है, आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रैक्टर आए हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।